जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात हेडलाइंस की। नवंबर में बैठक है और आठवें वेतन आयोग की हो सकती है घोषणा, कब क्या और कैसे देखेंगे। और आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी मुहिम, यदि आप रिटायर्ड जेसीओआर हैं या सर्विंग हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। भारत का दबदबा, चीनी सैनिक हों या विदेश, दमदार प्रदर्शन, जबरदस्त वीडियो और सेना के एक मेजर साहब ने अपनी जान पर खेलकर दो बच्चों की जान बचाई, वाह वाही हुई। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से, सबसे पहले जय श्री राम। हाँ जी दोस्तों, ये बॉर्डर पर चीनी सेना है जो जय श्री राम का नारा लगा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल दोस्तों, एक देश प्रेम भी है और सैनिकों के साथ इस तरह की इस तरीके का, यानी जहां चाइना के साथ इतना बड़ा डिस्प्यूट है और इस तरीके की एक आवाज आती है तो मन रोम 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 प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों खबरें करते हुए सात से आठवें वेतन आयोग को लेकर आप देख सकते हो, सारे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ये कल और परसों से लगातार इस बात की खबर आ रही है। और इस खबर में ये हमेशा कहा गया है कि आखिर आठवां वेतन कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कितना फायदा हुआ, तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इसमें कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अगले महीने हो सकती है गठन पर स्पष्टता। इन्होंने लिखा है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है, अलग अलग अखबार हैं जितने भी आप समझ सकते हो देख सकते हो, इसके अंदर पूरे अखबारों ने अपना विवरण साफ दिया है, चाहे दैनिक जागरण हो, एनडीटीवी हो, आज तक हो, जी न्यूज हो, सभी इस बात को प्रमुखता से अपने पेपरों में उन्होंने जगह दी है। संयुक्त आयोग की राष्ट्रीय परिषद की बैठक अगले महीने होने वाली है, आठवें वेतन आयोग की संभावित स्थापना पर चर्चा की जाएगी तथा कर्मचारी यूनियन इस मुद्दे पर स्पष्टता चाहती है। यानी जेसीएम जॉइंट काउंसिल मशीनरी, यानी जितने संगठन हैं कर्मचारियों के, उनके जनप्रतिनिधि अगले महीने किससे बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट कैबिनेट सचिव से, यानी बहुत बड़ा अधिकारी है माननीय प्रधानमंत्री, उससे सीधी मीटिंग होगी। उन्होंने कहा है आपके ऊपर स्पष्टता लाइए, इसके ऊपर क्लियर करिए आखिर क्यों। अगले महीने होने वाली संयुक्त आयोग बैठक में आपको आठवें वेतन आयोग पर फैसला की उम्मीद है। संयुक्त पारदर्शी मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम योजना का शीर्ष निकाय है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों से निपटता है, कथित तौर पर अगले महीने एक बैठक आयोजित करेगी। जेसीएम की योजना नियोक्ता के रूप में सरकार और कर्मचारियों के बीच सभी विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए कर्मचारी पक्ष और आधिकारिक पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक बातचीत के लिए एक मंच है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनियनों को उम्मीद है कि अगले महीने केंद्र द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन पर कुछ क्लियर हमें आदेश मिल जाएगा। जेसीएम योजना के अनुसार राष्ट्रीय परिषद विभागीय परिषद की साधारण बैठक आवश्यकता अनुसार, लेकिन चार महीने में एक बार से कम नहीं, आयोजित की जाती है और उसमें कैबिनेट सचिव से सीधी बात होती है। यानी जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं, इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों और सेवा एसोसिएशन के जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं। एनसीजेसीएम के सचिव कर्मचारी पक्ष शिवगोपाल मिश्रा ने कथित तौर पर कहा है अगले महीने की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता की उम्मीद है। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया, हम निश्चित रूप से इस मामले को उठाएंगे और इसी पर हम बात करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम उन्हें अपना ज्ञापन सौंपेंगे जिनमें शीघ्र आठवें वेतन गठन की मांग करेंगे। पहला ज्ञापन उन्होंने जुलाई में जब बजट के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी को सौंपा था। मिश्रा ने बताया कि दूसरा ज्ञापन उनके उत्तराधिकारी टीवी सोमनाथन को सौंपा गया है, जिन्होंने 30 अगस्त को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। यानी आप जो टीवी सोमनाथन है, ये बहुत बड़ी हस्ती है, माननीय प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं और उनको ये ज्ञापन दिया गया था, उनसे बातचीत भी हुई। उन्होंने सीधा सीधा कहा था अभी थोड़ा समय है और ये चुनाव की प्रक्रिया थी जो 15 महीने पहले हो गया, हम 6 महीने में इसको खत्म कर लेंगे, ऐसा उन्होंने स्पष्टता इसके ऊपर की थी। अब दोबारा नवंबर में बैठक है, आगे इन्हीं से बैठक है, आगे क्या उनकी रणनीति, इसके बारे में जरूर खुलासा होगा। संसद में 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट में मीडिया रिपोर्ट के अनुमान लगाया था कि आठवें वेतन आयोग को लेकर कुछ बात बनेगी, हालांकि बजट में इसकी कोई घोषणा नहीं की गई। बाद में वित्त सचिव थे, पहले टीवी सोमनाथन जी वित्त सचिव थे, उन्होंने संकेत दिया कि सरकार के निकट भविष्य में सरकार इस मामले में निर्णय लेगी। एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में सोमनाथन जी ने कहा था कि अगला वेतन आयोग 2026 में आने वाला है और अभी भी समय, क्योंकि हम अभी 2024 में हैं,
और उन्होंने कहा इसके लिए पर्याप्त समय हमारे रिएक्शन के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल खबर है ये कि नवंबर में बैठक होगी। और ये टीवी शोभनाथन जी पहले वित्त विभाग के कैबिनेट सचिव थे, अभी जो पहले वाले सचिव गए राजीव गोबा की जगह ये माननीय प्रधानमंत्री के है नज़दीक हैं, तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। आखिर अब कितना बढ़ेगा क्या है, हर कोई बोलता है कि 20% बढ़ोतरी होगी, 1.92 का फिटमेंट फैक्टर होगा, तमाम ऐसी बातें अभी चलेंगी क्योंकि जब तक इसकी घोषणा नहीं होती या जब तक ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं होता कयास तो लगाए जाएंगे दोस्तों। तो ये थी इसके ऊपर खबर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों जैसा हमने आपसे कहा कि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD की तरफ से लेटर 15 अक्टूबर का, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्मी वेटरन्स जूनियर कमीशन अफसर एंड अदर रैंक्स फॉर ऑनलाइन कोचिंग फॉर गवर्नमेंट एंड बैंकिंग एग्जाम। यदि आप वेटरन्स हैं, रिटायर्ड हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्जाम देना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो या आपके डिपेंडेंट, तो आपके लिए खुला दरबार है। AWPO कोलैबोरेशन विद द मेबन चौहटी दाकोड ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन बाय आर्मी वेटरन्स जूनियर कमीशन अफसर एंड अदर रैंक प्रोस्पेक्टिव रिटायरीज इन देयर लास्ट ईयर ऑफ सर्विस कोचिंग ऑफ क्लीनिंग गवर्नमेंट एग्जाम वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन। हाँ, उन्होंने कहा है बच्चों के लिए नहीं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जेशु जवान हैं, उनके लिए अलग अलग जो वैकेंसी हैं उस हिसाब से आपको फ्री कोचिंग कराई जाएगी। उसका जो अमाउंट है उन्होंने बताया कि एडवांटेज ऑफ अंडरटेकिंग दिस कोर्स विल बी कोचिंग फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से होगा, कंप्रहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्लेक्सिबल ऑनलाइन क्लासेस टू फिट शेड्यूल ऑफ आर्मी वेटरन्स, और उनका स्ट्रेटेजी ऑफ बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड एग्जाम परफॉर्मेंस, हैंड होल्डिंग इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। उन्होंने कहा सारी चीज़ें आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको फिर ये पढ़ाया जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। इसके लिए बैंकिंग एग्जाम की फीस है 144 घंटे के हिसाब से 3658, SSC एग्जाम के लिए 1922, आवर्स के लिए 4602, कम्बो ऑफ बैंकिंग एंड SSC 5900 फॉर 230 आवर्स। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आर्मी वेटरन्स एज वेल एज परस्पेक्टिव रिटायरी टू अंडरगो द कोर्स ऑफ क्लियर गवर्नमेंट एग्जाम। वेटरन विलिंग टू दिस कोर्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद AWPO एंड फाइल द कोर्स ऑफ इंक्लूडिंग सर्कुलेशन विलिंग कंडीशन ऑन रजिस्टर ऑन QR कोड गिवन, यानी फर्स्ट बैच कमेंस ऑन 6 नवंबर 2024 से है और सभी फॉर्मेशंस में ये सर्कुलेट किया गया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिसमिनेट टू द सेम यूनिट बटालियन अकॉर्डिंगली, KS उपल कर्नल डायरेक्टर AWPO। तो दोस्तों यदि आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो ज़रूर आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये खुली छूट है। अब मैं एक बात कहूँगा, आपने देखा होगा एक वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में चलाया था और उसके बाद आप देख सकते हो कि भारत देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं और लोग बड़ा गलत परसेप्शन, गलत नैरेटिव फैला सकते हैं। वो हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए, वो किसी पद के ऊपर होगा, लेकिन देश सबसे पहले, देशभक्ति सबसे पहले, देशद्रोह और देश के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ये वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ कि सेना कितनी कुर्बानी देती इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, भारत माता की जय के लिए, वंदे मातरम के लिए, और कुछ लोग आकर के इस तरीके से जहर घोलते हैं समाज में और यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं बांटते हैं अपनी राजनीति किसी न किसी महत्वाकांक्षा के लिए। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में गए तो आपका वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर उनका स्वागत भारतीयता से हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत भारतीयता से हो रहा है, यानी भारत की संस्कृति में लोग डूब करके कर रहे हैं और भारत की संस्कृति हो, भारत का झंडा हो, भारत के नारे हो तो हमें गर्व क्यों नहीं होगा। हाँ, ये गौरव की बात है सब भारतीयवासियों के लिए, जो भारत धर्म उनका राष्ट्र धर्म है। यदि कोई अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षी से किसी पे कोई भी टिप्पणी कर सकता है, उसे हमें कोई नहीं। हम सैनिक हैं, हम इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। यदि हमारे देश का सम्मान बाहर होता है तो मैं 100 बार सल्यूट करने को तैयार हूँ। बिल्कुल दोस्तों, और बढ़ते हैं एक सेना के मेजर, जांबाज मेजर को कहूँगा, और ये आप देख सकते हो रंगा पहाड़ आप देखते हो, सेना के अधिकारी मेजर साहब हैं, उन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए 2 बच्चों की जान बचाई। वो अपनी ड्यूटी से जा रहे थे 27 अक्टूबर यानी कल दोपहर को, और वहाँ पर किसी औरत की चिल्ला आवा बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ गड़बड़ है तो रुके और देखा कि सब लोग आवाज़ तो लगा रहे हैं लेकिन 2 बच्चे जो नदी थी और नदी में गिर गए थे, बगल में खेल रहे थे और जाकर किसी न किसी तरीके से वहाँ गिरे, और धनसरी नदी थी,
मेजर साहब ने अपने कपड़े उतारे और कूद गए और अपनी जान को जोखिम में डालकर उन बच्चों को सही सलामत और सुरक्षित बाहर निकाला। ये होता है कि क्विक रिएक्शन बोलते हैं कि उन्होंने के जा रहे थे कहीं अपनी गाड़ी पे रोका, एक्शन लिया, बच्चों की जान बचाई। और ये नज़ारा सिर्फ और सिर्फ आप आधा घंटे का था और लोगों ने उन्हें खूब 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 बहुत सारी बधाइयाँ दी। इससे एक मेजर साहब का इंडिविजुअल का एक सीना तो चौड़ा होता है लेकिन सेना का भी होता है कि सेना की आइडेंटिटी यही है कि लोगों के सुख दुख में शामिल होना। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।